बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य हरीश एठाणी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियम अनुसार न पाते हुए उसे रद्द कर दिया है। हरीश एठाणी पर वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितताएं के आरोप लगे थे और इन आरोपों की पुष्टि के बावजूद भी उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने रहे। इन शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द कर दी थी और जिसे उन्होंने हाईकोर्ट को चुनौती दी थी और इस पूरे मसले में हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सुनवाई पूरी की है और जिस पर फैसला सुरक्षित रखा है। मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने हरीश एठाणी की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए खारिज कर दिया है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। हरीश एठाणी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर द्वारा यहाँ पर उन पर कथित अनियमितताओं के आरोप को लेकर उनकी वर्तमान पद पर जो जिला पंचायत सदस्य के पद पर जो सदस्यता रद्द करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया था उस आदेश को इस हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो राज्य सरकार का आदेश था सदस्यता रद्द करने का उसे आज समाप्त कर दिया है, क्वेश्चन कर दिया है।